80 के दशक का वो समय जब हर तरफ केवल और केवल अमिताभ बच्चन के नाम का डंका बज रहा था, हर कोई उनका दीवाना हुआ जा रहा था। चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, युवक या युवतियां हों, हर शख्स के दिलो दिमाग और जुबां पर केवल और केवल महानायक अमिताभ बच्चन ही छाए हुए थे। उन्हीं दिनों एक शाम पम्मी बख्शी नामक एक फिल्म मैगजीन एडिटर अपने फ्लैट के बालकनी में बैठी हुई थी। उस समय नीचे बिल्डिंग के लॉन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब तक सब कुछ बड़ा ही सामान्य था, तभी उन बच्चों ने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया। पम्मी बख्शी इस शोर से काफी परेशान हो उठी, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के शोर करने का असली कारण जाना तो वो दंग रह गईं। दरअसल वो बच्चे आपस में सुपर हीरोज बनने को लेकर लड़ रहे थे। उनमें से कुछ सुपरमैन बन रहे थे तो कुछ बैटमैन, लेकिन जो ही अमिताभ बच्चन बनने की बारी आई तो सबके सब लड़ पड़े। वास्तव में उनमें से हर बच्चा अमिताभ बच्चन बनना चाह रहा था। बच्चों के बीच अमिताभ की इस प्रसिद्धि को देखकर पम्मी बख्शी का माथा ठनक गया और उसी वक्त उन्हें यह विचार आया कि क्यों न हम अमिताभ बच्चन को एक सुपर हीरो के तौर पर पेश करें। अगले ही दिन पम्मी अपने इस मिशन पर लग गईं और इस बाबत अमिताभ बच्चन से संपर्क किया। अमिताभ को यह जानकर बेहद ही खुशी हुई कि उन पर कोई कॉमिक सीरीज लाना चाहता है। उन्होंने पम्मी बख्शी को एक छोटी सी शर्त के साथ खुशी खुशी इजाजत दे दी। शर्त कुछ यूं थी कि उनके नाम का जो भी कॉमिक किरदार बनाया जाएगा उसे किसी कार्टून की तरह पेश न करके सभ्यतापूर्ण तरीके से इलस्ट्रेट किया जाएगा। पम्मी बख्शी ने उसी वक्त अमिताभ बच्चन से कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी भावनाएं आहत होंगी। बहरहाल अब अमिताभ बच्चन की इजाजत मिल गई थी, अतः पम्मी बख्शी ने अपने मैगजीन के प्रकाशक इंडिया बुक हाउस से बातचीत की और अपनी पूरी योजना बताई। इस तरह से उनके बीच यह तय हुआ कि इस कॉमिक सीरीज को स्टार कॉमिक्स के अंतर्गत छापा जाएगा। पम्मी बख्शी अब तक केवल इस कॉमिक के लिए आवश्यक तकनीकी बातों को ही सुलझा रही थी, लेकिन अभी तो असली काम बाकी था कि इस कॉमिक के लिए कहानियां कौन लिखेगा और कौन इसके किरदारों को इलस्ट्रेट करेगा। खैर, यह समस्या भी जल्द ही हल हो गई और कॉमिक्स के लिए कहानियां लिखने की जिम्मेवारी चरित्र अभिनेत्री सुधा चोपड़ा ने संभाल लिया। सुधा चोपड़ा उन दिनों त्रिशूल, काला पत्थर और दोस्ताना सरीखी कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभा चुकी थी। सुधा चोपड़ा के अलावा पम्मी बख्शी को बतौर सलाहकार मशहूर लेखक गुलजार का भी साथ मिला। अब बात आई कॉमिक के किरदारों को इलस्ट्रेट करने की। इसके लिए पम्मी बख्शी ने उन दिनों के सबसे प्रसिद्ध इलस्ट्रेटर प्रताप मल्लिक से संपर्क किया, जो कि उन दिनों अमर चित्र कथा के लिए काम करते थे। प्रताप मल्लिक के बारे में आपको यह भी बता दूं कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने नागराज जैसे कालजयी चरित्र को डिजाइन किया था। बहरहाल जब पम्मी बख्शी ने उन्हें अमिताभ के कॉमिक के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन करने के लिए बोला तो उन्होंने इसे यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि मैं फिल्म वालों के किरदार डिजाइन नहीं करता। खैर, पम्मी बख्शी भी अपनी धुन की पक्की थी, अतः कुछ दिनों में उन्होंने प्रताप मल्लिक को इस काम के लिए मजबूर कर ही डाला। इस तरह से प्रताप मल्लिक ने 10 ऐसे डिजाइन तैयार किए जिनमें अमिताभ बच्चन को सुपर हीरो की तरह पेश किया गया था। इन डिजाइनों को लेकर पम्मी बख्शी अमिताभ बच्चन से मिलने फिल्म पुकार के सेट पर जा पहुंची, जिसकी शूटिंग गोवा में चल रही थी। वहां सबसे पहले उनकी मुलाकात फिल्म के दूसरे नायक रणधीर कपूर से हुई। आसपास अमिताभ बच्चन और फिल्म की शूटिंग देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें स्थानीय पुलिस बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी। अभी पम्मी रणधीर कपूर से बात कर ही रही थी कि वहां पर अमिताभ बच्चन के आने की सूचना मिली। अमिताभ को देखकर लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और यह देखकर रणधीर कपूर के होंठों पर बरबसी एक वाक्य निकला कि वो देखो अपना सुप्रीमो आ रहा है। इस वाक्य को सुनकर पम्मी अचानक ही चौंक पड़ी। उन्हें सुप्रीमो नाम अपने कॉमिक के हीरो के लिए बेहद ही उपयुक्त लगा। उस दिन अमिताभ बच्चन ने प्रताप मल्लिक के बनाए उन 10 इलस्ट्रेशंस में से एक को पसंद किया, जिसे बाद में सुप्रीमो का नाम दिया गया। खैर, अब फिल्म के मुख्य नायक की रचना तो हो गई, ऐसे में अब उसके यूनिवर्स की रचना बाकी थी, जिसे आखिरकार गुलजार, पम्मी बख्शी और सुधा चोपड़ा ने बड़ी ही खूबसूरती से अंजाम दिया। सुप्रीमो के इस यूनिवर्स में अमिताभ बच्चन के किरदारों को 2 अलग अलग रूपों में दिखाया गया, जिनमें एक एक्टर है तो दूसरा सुपर हीरो। अपने एक
एक्टिंग के बाद का जितना भी समय है उसे अमिताभ का किरदार सुप्रीमो के रूप में जीता है, जिसके पास अपना खुद का एक सबमरीन और एक आइलैंड है। इस आइलैंड में सुप्रीमो कई जीव जंतुओं को पालता है जो कि स्वतंत्र रूप से इधर उधर विचरण करते हैं। सुप्रीमो के इन कामों में सहयोग करने के लिए कुछ अन्य किरदारों की भी रचना की गई, जिनमें विजय और एंथनी नामक दो युवकों के साथ साथ शाहिन नामक एक बाज की भी रचना हुई। ये तीनों ही किरदार अमिताभ बच्चन के फिल्मों से ही प्रेरित थे। जहां विजय अमिताभ बच्चन के कई पुरानी फिल्मों के किरदारों के नाम थे, वहीं एंथनी का नाम और लुक उन्हीं के फिल्म अमर अकबर एंथनी से लिया गया था। इनके अलावा शाहिन का किरदार भी साल 1983 की फिल्म कुली के अल्लाह रखा नामक बाज से प्रभावित था। खैर, कड़ी मेहनत और लगन से पम्मी बख्शी और उनकी टीम इस कॉमिक सीरीज को प्रकाशित करने में कामयाब रही। सुप्रीमो नामक इस सीरीज को अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया था और यह खूब लोकप्रिय भी हुई थी। लेकिन इतनी लोकप्रियता के बावजूद तकरीबन 2 सालों तक चलने के बाद इस कॉमिक सीरीज को बंद कर दिया गया था। सालों बाद पम्मी ने इसका जिम्मेवार खुद को बताते हुए कहा था कि दरअसल शादी के बाद मैं अपने पति के साथ विदेश में जाकर सेटल हो गई, जिसके कारण हमें इसे बंद करना पड़ा था। खैर, आप इस कॉमिक सीरीज के विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या आपने इस सीरीज की कोई भी कॉमिक्स पढ़ रखी है? अगर हाँ तो उसके नाम का जिक्र अवश्य करें। साथ ही इस कॉमिक सीरीज के पब्लिशर से यह अवश्य अपील करें कि इस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाया जाए। तो ये थी अब तक बच्चन पर हमारी 4थी प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।